अस्सलाम वालेकुम K3, वेलकम टू आवर सेकेंड टर्म लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश ए 3 क्लास. आज हमारा यूनिट नंबर 5 है द लार्जेस्ट होम फॉर वाइल्ड एनिमल. आज हमने इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और डिक्टेशन करनी है. बुक पेज नंबर है आपका 26 एंड 27. 3 क्लास, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 26 एंड 27. चैप्टर का नेम है द लार्जेस्ट होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स. द क्रूगर नेशनल पार्क इन साउथ अफ्रीका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट ओपन एयर जू इन द वर्ल्ड. क्रूगर नेशनल पार्क जो कि साउथ अफ्रीका में है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर जू कहलाता है. इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल सेंचुरी. ये जंगली जानवरों का महफूज घर है. वेयर हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट अलाउड. जहाँ जानवरों का शिकार करने की इजाज़त नहीं है. दिस ग्रेट पार्क इज कवर्ड विद. ये बड़ा पार्क कवर किया गया है ट्रीज, दरख्तों, बुशेस, झाड़ियों, ग्रास और घास से. एंड इज अ सेफ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू लिव इन. और जानवरों के रहने के लिए एक महफूज जगह है. देयर आर 336 ट्रीज स्पीशीज. यहाँ 336 दरख्तों की इकसाम हैं इन द नेशनल पार्क. नेशनल पार्क में The park has 9 main gates. पार्क के 9 दरवाजे हैं. The names of these gates, इन दरवाजों के नाम हैं, आर पॉल, क्रूगर गेट, नम्बी गेट, मेलीलेन गेट, क्रोकोडाइल ब्रिज गेट, पुंडामारिया गेट, ऑर्पन गेट, पेलाबोरवा गेट, फेबिनी गेट एंड पफूरी गेट. क्रूगर हाउसेस 114 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स. क्रूगर पार्क में जानवरों के लिए जो घर बनाए गए हैं, वहाँ रेंगने वाले जानवरों के 114 इकसाम मौजूद हैं, इंक्लूडिंग 3000 क्रोकोडाइल्स, जिनमें 3000 क्रोकोडाइल्स मौजूद हैं. देयर आर 517 टाइप्स ऑफ बर्ड्स एट क्रूगर. यहाँ 517 इकसाम के परिंदे मौजूद हैं. 49 टाइप्स ऑफ फिश, 49 इकसाम की मछलियाँ एंड 34 काइंड्स ऑफ एम्फीबियंस. और 34 इकसाम ऐसे जानवरों की जो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं मौजूद हैं. अबाउट 145 मैमल स्पीशीज कैन बी सीन इन द नेशनल पार्क. तकरीबन 145 इकसाम उन जानवरों की हैं जो बच्चे पैदा करते हैं नेशनल पार्क में. इट इज़ पॉसिबल टू सी ऑल द बिग एनिमल्स लाइक द एलिफेंट्स, ब्लैक एंड वाइट राइनोस, हिप्पोपोटामस, जिराफ, ज़ेब्रा एंड मैनी एंटीलोप स्पीशीज. मुमकिन है कि यहाँ पर तमाम बड़े बड़े जानवर जैसा कि हाथी, काले और सफ़ेद राइनोस, हिप्पोपोटामस, जिराफ और ज़ेब्रा और बहुत सी इकसाम एंटीलोप दिखाई देंगी आपको. इट इज़ एक्साइटिंग टू वॉच द लायंस, द लेपर्ड एंड द चीतास रोमिंग अराउंड दिस प्लेस. हम बड़ी दिलचस्पी के साथ शेरों और चीतों को वहाँ धारते हुए देख सकते हैं. देयर आर मैनी स्मॉल साइज एनिमल्स टू. यहाँ छोटे छोटे जानवर भी मौजूद हैं. इट हैज़ बीन सीन दैट सिंस एनिमल्स आर नॉट हंटेड हेयर. देखा गया है कि जानवर यहाँ पर शिकार नहीं किए गए. मैनी ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द पार्क हैव लॉस्ट द फियर ऑफ मैन. बहुत से जानवर इस पार्क में आदमी का खौफ ख़त्म कर चुके हैं. There are several hundred lions in the park. यहाँ सैकड़ों किस्म के
शेर मौजूद हैं पार्क में. दे स्ट्रॉल अबाउट द प्लेस एज इफ इट इज देयर वेरी ओन किंगडम. वो यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे ये उनकी सल्तनत है. दे यूज्ड व्हीकल मूविंग पास्ट एंड वेरी रेयरली फील डिस्टर्ब बाय देयर प्रेजेंस. वो गाड़ियों को अपने पास से गुजरने देते हैं और बहुत कम उनकी मौजूदगी से तंग होते हैं या उन्हें मुश्किल होती है. विजिटर्स आर एडवाइज्ड टू यूज क्लोज्ड कार्स फॉर लिविंग थ्रू द पार्क. सियाहों को नसीहत की जाती है कि वो बंद कार इस्तेमाल करें पार्क के अंदर रहते हुए. एंड दे आर वॉन्ट टू रिमेन इनसाइड देम. और उन्हें तंबीह किया जाता है कि वो गाड़ियों के अंदर रहें. इफ दे गेट आउट ऑफ द व्हीकल, अगर वो गाड़ी से बाहर आएंगे, दे कुड बी अटैक्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल, तो उन्हें किसी जंगली जानवर के हमले का खतरा है. द विजिटर कैन स्टे देयर इन कॉटेजेस, बंगलो, टेंट, कारवान और कैंप्स. सयाह झोंपड़ियों में, बंगले में, टेंट या कारवान में रह सकते हैं. देयर आर ट्रेंड लोकल गाइड्स, यहाँ माहिर मौजूद हैं हु हेल्प देम टू सी द एरिया एंड द एनिमल्स, जो इनकी मदद करते हैं इलाका और जानवर देखने में. समर डेज आर वेरी ह्यूमिड एंड हॉट विद टेम्परेचर्स, गर्मियों के दिन बहुत गर्म होते हैं. टेम्परेचर्स ऑफन गोइंग अबव 38 डिग्री सेल्सियस, और दर्जा हरारत अक्सर 38 डिग्री सेल्सियस से तक होता है. द रेनी सीजन इज फ्रॉम सितंबर टू मई, बारिशों का मौसम सितंबर से मई तक होता है. द ड्राई विंटर सीजन इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द क्रूगर पार्क, खुश्क सर्दी का मौसम क्रूगर पार्क की सैर करने के लिए बेहतरीन है. फॉर मैनी रीजन्स, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, देयर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ गेटिंग मलेरिया, यहाँ अक्सर मलेरिया रहने का खतरा है. एंड द डेज आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और दिन ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही सर्द. इट इज़ ईजियर टू सी वाइल्ड लाइफ बिकॉज द प्लांट्स आर नॉट वेरी थिक. इस मौसम में जंगली जिंदगी को देखना आसान होता है क्योंकि पौधे ज़्यादा नहीं होते. एंड एनिमल्स नीड टू गो टू द वाटर होल्स, और जानवरों को तालाबों पे जाने की ज़रूरत होती है टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एंड इवनिंग, और हर शाम को. एनिमल्स आर हैप्पी टू लिव इन द नेशनल पार्क, जानवर बहुत खुशी से नेशनल पार्क में रहते हैं. बिकॉज दे आर नॉट केज्ड, क्योंकि उन्हें कैद नहीं रखा जाता. एंड दे आर फ्री टू मूव अबाउट एज दे लाइक, और वह जहाँ चाहें हरकत करने के लिए आज़ाद हैं. द पीपल इन चार्ज ऑफ द एनिमल्स फीड देम, लोग इंसान जो जानवरों के इंचार्ज हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं. वेल अच्छा. एंड व्हेन द एनिमल्स गेट सिक, और जो जानवर बीमार होता है, दे आर ट्रीटेड टिल दे आर वेल अगेन, और वो उनका तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते. द क्रूगर नेशनल पार्क इज अ हैप्पी होम फॉर ऑल द वाइल्ड एनिमल्स. क्रूगर नेशनल पार्क एक बहुत ही खुशगवार घर है जंगली जानवरों के लिए. थ्री क्लास, हमारी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है. अब हम डिक्टेशन मार्क करेंगे. आपका डिक्टेशन का सबसे फर्स्ट वर्ड है आपके पेज नंबर 26 पर फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का, डिस्क्राइब्ड.
सेकेंड पैराग्राफ स्किप करके थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में वर्ड है स्पीशीज. दिस इज योर सेकेंड वर्ड ऑफ डिक्टेशन. आपका थर्ड वर्ड है इंक्लूडिंग इन द सेम लाइन. थर्ड पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन है आपकी इट इज एक्साइटिंग टू वॉच द लाइंस द लेपर्ड एंड द चीता रोमिंग अराउंड द प्लेस. ये आपकी लाइन डिक्टेशन लाइन नंबर वन है. इसके साथ ही आपकी नेक्स्ट लाइन है देयर आर मैनी स्मॉल साइज एनिमल्स टू. ये आपकी लाइन नंबर टू है. पैराग्राफ नंबर फोर पेज नंबर 26 पे आपकी लाइन नंबर थ्री है इफ दे गेट आउट ऑफ द व्हीकल दे कुड बी अटैक्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल. थ्री क्लास नाउ कम टू द पेज नंबर 27. फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में वर्ड है वाटरफॉल्स. दिस इज योर डिक्टेशन वर्ड नंबर फोर. ये आपका डिक्टेशन का लास्ट वर्ड है. आपकी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है. थ्री क्लास आज हमने अपने सेकेंड टर्म के फर्स्ट लेक्चर में लेक्चर आपके चैप्टर नंबर 5 द लार्जेस्ट होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स की रीडिंग की है, एक्सप्लेनेशन की है और डिक्टेशन मार्क की है. आपका होम टास्क ये है कि आपने रीडिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है और डिक्टेशन को लर्न करके उसे अपनी रफ कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस करनी है. उम्मीद करती हूँ थ्री क्लास आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू थ्री क्लास. अल्लाह हाफिज़.